नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। ASRB यानी कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें आपका AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, F&AO फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 19 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुआ है। ये टोटल 65 वैकेंसीज हैं, लास्ट डेट हमारा 23 अगस्त 2021। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है, फॉर्म का फीस कितना है, एज का क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ आपका 19 जुलाई 2021 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 11 बजे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो है 23 अगस्त 2021। फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 23 अगस्त 2021। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा, दो टीयर में एग्ज़ाम होगा, Tier 1 और Tier 2। तो Tier 1 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका रखा गया है 10 अक्टूबर 2021। Tier 2 का एग्ज़ाम डेट आपका बाद में अनाउंस किया जाएगा। एज की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए एज का क्राइटेरिया है 21 से 30 साल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर 21 से 30 साल। ऑनलाइन फॉर्म की अगर हम बात करें, फ़ीस कितना है, तो अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC कैटेगरी का फॉर्म का फ़ीस है 500 रुपये। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रखा गया है 20 रुपये। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सपोज़ आप AO के लिए भी एलिजिबल हैं, F&AO के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको अलग अलग फ़ीस पे करना पड़ेगा, 500 प्लस 500, ये आपका हो जाएगा 1000 रुपीज़। और SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 20 प्लस 20 यानी कि टोटल 40 रुपीज़ आपको दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, सेपरेट आपको ऑनलाइन फॉर्म का जो फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टोटल 44 वैकेंसीज़ हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 17, EWS की 4, SC की 7, ST की 2, OBC की 14, टोटल वैकेंसीज़ आती हैं 44। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर में टोटल 21 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी की 13 हैं, EWS की 2 हैं, SC की 2 हैं, ST में कोई वैकेंसी नहीं है, और OBC के लिए 4 वैकेंसीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिंपल आपका ग्रेजुएट मांगा गया है, 55% मार्क्स, और साथ में बोला गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर यहाँ पर भी यही है, ग्रेजुएट मांगा गया है 55% मार्क्स के लिए, और यहाँ पर बोला गया है एंड मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, डिज़ायरेबल है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास ये रहता है तो आपको इसका प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्पेशलाइजेशन इन कौन कौन सी स्ट्रीम में है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, एज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स इस स्ट्रीम में आपने अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है CA, ICWA या फिर CS तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा आपको हम ये बता दें, जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर सिटीज़ में है। आप PDF जो है नोटिफिकेशन का, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाइए PDF डाउनलोड करिए, वहाँ पर पूरा एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में हर अलग अलग सिटीज़ में आपके लगभग 34 सिटीज़ में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जब स्टार्ट हो जाएगा तब हमारी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो देखिए, Tier 1 एग्ज़ाम होगा और Tier 2 एग्ज़ाम होगा, Tier 1 और Tier 2, और उसके बाद आपका Tier 3 यानी कि इंटरव्यू। Tier 1 आपका MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे एक नंबर का, और टोटल आपका जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपके GK का आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हिंदी या फिर इंग्लिश 50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल बनते हैं हमारे 200 क्वेश्चन, और 200 नंबर का होगा पेपर, 3 घंटे का होगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स यहाँ पर आपका काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, यहाँ पर ये बोला गया है जो Tier 1 एग्ज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे।
इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा टीयर टू एग्ज़ाम के लिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और यहाँ पर चार अलग अलग पेपर हैं टीयर टू में, हर पेपर 3 घंटे का होगा। जैसे कि पेपर वन है जिसमें आपका होगा जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। पेपर टू होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। पेपर थ्री आपका ऐसे राइटिंग, यहाँ पर देखिए पेपर थ्री में भी आपके दो ऐसे राइटिंग हो गए, ऐसे राइटिंग वन, ऐसे राइटिंग टू, दोनों 75-75 मार्क्स के। पेपर फोर एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर वन 150 मार्क्स का है, पेपर टू भी 150 मार्क्स का है, पेपर थ्री भी 150 मार्क्स का है और पेपर फोर आपका 150 मार्क्स का है। तो टोटल हुआ यहाँ पर हमारा 600 मार्क्स और हर पेपर आपका 3 घंटे का होगा। पेपर वन 3 घंटे का, पेपर टू 3 घंटे का, पेपर थ्री 3 घंटे का, पेपर फोर 3 घंटे का। यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट फ्रॉम टीयर टू एग्जाम विल बी क्वालिफाइड फॉर टीयर थ्री। अब यहाँ पर देखिए जो आपका इंटरव्यू है टीयर थ्री 100 मार्क्स का होगा। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स 700 मार्क्स, मतलब कि आपके 600 नंबर टीयर टू के और 100 नंबर आपके इंटरव्यू के ये ऐड किए जाएंगे, इसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यानी कि टीयर वन के मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें देखिए आपके जो 100 नंबर हैं किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपके 5 नंबर रखे गए हैं, मैक्सिमम 5 नंबर, जिसमें कि अगर आपका क्वालिफिकेशन जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अगर आपके मार्क्स 60% से ऊपर हैं या 60% है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 55% से ऊपर हैं लेकिन 60% से नीचे हैं तो 4 नंबर। हाईएस्ट या फिर डिजायरेबल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के 5 नंबर हैं, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के 10 नंबर, इनडेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीज़ ये 20 नंबर होगा, पर्सनालिटी का आपका 20 नंबर होगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 20 नंबर होगा और एप्टीट्यूड एंड सूटेबिलिटी 15 नंबर्स होगा। तो टोटल इस तरह से ये मार्क्स 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं किस किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स हैं। दूसरा आता है हमारा फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। टीयर वन एग्जाम होगा, टीयर टू एग्जाम होगा और टीयर थ्री एग्जाम होगा जिसमें इंटरव्यू होगा। टीयर वन एग्जाम अलग अलग 4 सेक्शन हैं, 200 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक सेक्शन के 50 क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन होंगे आपके और 200 मार्क्स के। और यहाँ पर जो टाइम होगा वो आपका 3 आवर्स होगा। जनरल नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं या हिंदी या फिर इंग्लिश, इसके भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे। 1/3 मार्क आपका यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा अगर आप गलत करते हैं, मतलब कि निगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स की। और ये भी यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग है, इसका आपके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। टीयर टू यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ये भी देखिए आप हर पेपर आपका 3 घंटे का होगा। पेपर वन जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। पेपर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। पेपर थ्री ऐसे राइटिंग और पेपर फोर कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखिए यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया है, पेपर वन 150 मार्क्स का है, पेपर टू 150 मार्क्स का है, पेपर थ्री आपका 100 मार्क्स का है और जो पेपर फोर है ये आपका 200 मार्क्स का हो गया यहाँ पर। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका पेपर फोर कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 200 नंबर का। तो टोटल आपके यहाँ पर बनते हैं 600 नंबर। इसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसीज होंगी उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल होता है हमारा 700 मार्क्स, यानी कि 600 नंबर आपके टीयर टू के और 100 नंबर आपके इंटरव्यू के, इन्हीं दोनों के बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, जो आपके 100 नंबर हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे और अगर आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है उसके लिए भी 5 नंबर रखे गए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए 5 नंबर, जनरल नॉलेज के 10, इनडेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट यानी कि जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसके लिए 20 नंबर रखे गए हैं, पर्सनालिटी के लिए 20 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है उसके लिए 20 नंबर होंगे, एप्टीट्यूड एंड सूटेबिलिटी के 15 नंबर होंगे। तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इंटरव्यू के। अब हम बात कर लेते हैं पूरा इसका डिटेल सिलेबस। अब देखिए जो टीयर वन एग्जाम होगा आपका ये कॉमन है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कर लीजिए चाहे आप यहाँ पर फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर कर लीजिए, दोनों के लिए ये कॉमन है टीयर वन एग्जाम और दोनों का सिलेबस कॉमन है। अब जो टीयर वन एग्जाम में पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज, इसमें देखिए आप क्या क्या आएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें क्या आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू,
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, एग्रीकल्चरल एंड जियो कल्चरल डेवलपमेंट इशूज, ह्यूमन राइट्स, सोशल कन्फ्लिक्ट, डिसेबिलिटीज एटसेट्रा। जनरल अवेयरनेस आपका आएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ICAR। ICAR के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जनरल साइंस और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, या जिसे हम बोल सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर देखिए, वर्बल नॉन वर्बल आपका दोनों रीजनिंग होगा, एनालॉगीज होगा, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके बाद सेक्शन सी आता है, यहाँ पर आप देखिए क्या है, अर्थमेटिकल या न्यूमेरिकल एबिलिटी। बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर सिस्टम होगा आपका, सिंप्लीफिकेशन होगा, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रैक्शंस होगा, LCM SCF होगा, रेशियो प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। क्लास 10th लेवल का आपका ये पूरा मैथ्स पूछा जाएगा। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश एक। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज और राइटिंग एबिलिटी, प्रिसाइज राइटिंग होगा, यूजेज एंड वोकेबुलरी होगा, शॉर्ट एसेज होगा, ट्रांसलेशन होगा, और इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये है आपका पूरा टीयर 1 का सिलेबस। टीयर 2 का सिलेबस जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें जो है यहाँ पर आपका पूरा अलग अलग पेपर है, इनका पूरा आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पर टीयर 2 का सिलेबस पूरा मेंशन किया गया है। सेम ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, टीयर 2 का जो आपका पूरा सिलेबस है, नोटिफिकेशन का जो PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेज नंबर 21 पर यह पूरा सिलेबस डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है, एज का आपको क्राइटेरिया बता दिया है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, एजुकेशनल क्राइटेरिया कितना है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में है, हर अलग अलग सिटी में है। एग्ज़ाम आपका जो होगा टीयर 1, वो आपका होगा 10 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होगा, वो अभी डेट अनाउंस नहीं करी गई है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा कोई और आपकी फर्दर क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।